जो घटना आज तखतपुर का बिलासपुर जिले के तखतपुर में हुआ है, जितने भी इसकी भर्त्सना किया जाए वो कम ही है। और जो तखतपुर में घटना हुई है वह लोगों के नासमझी पना से हुआ है। गौ माता तो सीधी साधी हैं, जहाँ भी उनको ले जाएं जाने को तैयार हैं, लेकिन ले जाने वालों की इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी उनको रखें खाना पानी का उनका और व्यवस्थित रूप से बैठ सकें ऐसी जगह में उनको रखना चाहिए। लेकिन जो मुझे अभी पता चला कि तखतपुर के उस गांव में पुराना जो ग्राम पंचायत है वहां उनको ले जाया गया और एक छोटे कमरे में सभी गायों को रख दिया गया और उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके वजह से ये घटना घटा है। और यह भी सुनने में आया है कि जिस जगह हमें जिस कमरे उनको रखा गया था, एक तो गौ माता की संख्या ज़्यादा हो गया, ऊपर से उस कमरे में कहीं से भी हवा आने जाने का जगह नहीं था, इसलिए बता रहे हैं कि दम घुटने की वजह से ये घटना हुआ है और जिसमें लगभग 50 गौ माता काल कलवित हो गए हैं। तो निश्चित रूप से इसका जितना भी हम निंदा करें शब्द कम पड़ जाएगा। और मैं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि गौ माता के साथ ऐसा क्रूरतापूर्वक व्यवहार ना करें। कहीं भी उनको रखें तो सुव्यवस्थित रखें, खाने पाने के खाने पीने उनका व्यवस्था रखें। और यह घटना इसीलिए घटा है क्योंकि गौ माता को रख दिए, फिर किसी ने उनको देखने नहीं गया कि उनकी क्या स्थिति है। तो आगे से ऐसी कोई घटना न घटे, इस बात का मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बात का सब ध्यान रखें। जो दोषी है उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से जो ऐसे कृत्य को किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो प्रावधान है उसके तहत निश्चित रूप से ऐसा कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि और ऐसी घटना न घटे, लोग इससे सबक लें, इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए।